प्रदीप भाई, सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गलबाहियां कर रहे हैं? इसका सर्टिफिकेट उनको देना होगा कि मैं अडानी के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं। मैं उसका एक छोटा सा, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि उनकी बातचीत बंद हो गई, एक छोटा सा वो दिखा दे रहा हूं, 10-20-30 सेकंड का है, जो राहुल गांधी का 2-4-5-6-7 मई के, अभी मतलब पिछले 5-7 दिन के उनके भाषण है, छोटा सा। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। मैं प्रदीप जी आपसे जरा इस बात को इसलिए कर रहा हूं, इस व्यापकता को, राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी अडानी का नाम लेने से। और मुझे, मैं तो ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी सार्वजनिक रूप से हम लोग कहते हैं कि भाई उस किसी उसका तो हम विश्वास करते हैं। 700 किसानों की शहादत के पीछे मूल कारण वो जो 3 किसान बिल थे, उसका ड्राइविंग फोर्स अडानी जी थे। इसमें कहीं कोई, पूरे देश को पता था उसका ड्राइविंग फोर्स अडानी जी थे। आप हिमाचल में बैठे हुए हैं, अडानी जी की जो पॉलिसी थी उससे वहां के आम किसान ने कितना झेला है, ये आपसे हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो ये जो कल मोदी जी करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनको लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना ले जाएंगे? उनको लगेगा कि नहीं, राहुल गांधी अडानी और अंबानी के बहुत चहेते हो गए हैं या उनके बहुत खास हैं, मैं तो इनके पीछे लगा हुआ हूं, इस तरह की कोई संभावना है? नहीं तो ये करने का क्या मतलब था? ये जो बार बार हो रहा है कि ये कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल दिमाग का, उसका दिमाग अपनी जगह रहेगा, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। प्रदीप भाई। आनंद भाई नमस्कार। एक्चुअल में आपने जो पूछा उस पर आने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने शायद पढ़ी होगी, एक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर जस्टिस है बी लोकुर, और एक फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है ए पी शाह, और वेटरन जर्नलिस्ट एन राम। इन तीनों ने राहुल गांधी और मोदी को एक लेटर भेजा है, और इन तीनों ने कहा है कि आप लोग जो है डिबेट में आइए, दोनों को डिबेट के लिए इन्वाइट किया है कि इश्यूज पे डिबेट कीजिए, हम अभी तक आरोप प्रत्यारोप सुन रहे, लेट्स हैव अ डिबेट। अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे मालूम है ये हो ही नहीं सकता, मोदी जी किसी हाल में आ ही नहीं सकते, जो मीडिया का एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में जब हाथ कांपने लग जाए तो फिर ऐसी जगह तो मतलब ही नहीं बनता उनके आने का। लेकिन सोच, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बात हो रही क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। अब 3 चरण अभी हुए हैं और 3 चरण से पहले ही दुनिया भर का गंध इस इलेक्शन में आ चुका है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो अजीत सर ने कही ना, मैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं। अभी हाल ही में इंडिया टुडे जो चैनल है उसको रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में एक लाइन बोली उन्होंने बड़ी खास, कि जो टेस्ला है, टेस्ला अपना प्लांट लगाना चाह रही थी तेलंगाना में, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि आप गुजरात में लगाइए, इसलिए वो एलन मस्क नहीं आया जो आना था उसको इंडिया, उसने अपना पोस्टपोन कर दिया। हालांकि एंकर हंसने लगा इस बात पे, तो उसने जवाब दिया कि भाई तुम्हारे सामने कोई ऐसी छोटा मोटा सरपंच नहीं बैठा है, एक चीफ मिनिस्टर बैठा है, और अगर इतनी बड़ी मैं बात बोल रहा हूं तो बहुत पुख्ता चीजों के आधार पर बोल रहा हूं। अब उसको कनेक्ट कीजिए जो अजीत जी ने कहा कि वो जो 12,500 करोड़ का, तो इसका मतलब वो भी हर चीज को गुजरात की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो दूसरी स्टेट में जाना चाह रहा है। हो सकता है वो अडानी वाली नाराजगी सही कह रहे हैं कि इस वजह से भी हो सकती है कि अडानी का नाम ले लिया, अब अडानी अंबानी दोनों एक ही साथ, ऐसे लगता है जैसे वो टाटा बिरला का नाम एक टाइम पे आया करता था साथ में। लेकिन तीसरी चीज इसमें यह है कि एक चीज और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दी है कि मुद्दे बिल्कुल भी नहीं है, रोज कुआं खोद रहे हैं, रोज प्यास बुझा रहे हैं, मंगल सूत्र से लेके मटन मछली से लेके अडानी अंबानी तक, आप देखिएगा रोज का रोज एक नया मुद्दा छेड़ना पड़ रहा है उनको। आज नया छेड़ा कि वो जो
आर्थिक सलाहकार परिषद का डाटा आया है कि जी 7.8% हिंदुओं की आबादी घटी है 1950 से लेकर 2015 तक। सोचिए, जनगणना हुई नहीं है लेकिन आर्थिक सलाहकार परिषद के बाद डाटा आ गया कि हिंदुओं की आबादी घटी है 7.8% और मुसलमानों की बढ़ी है। आज ये चल रहा है सुबह से लेकर सारी जो बीजेपी, एक्चुअल में मुझे लगता है बीजेपी वाले भी अब तो परेशान हो गए कि उन्हें नहीं मालूम कि उनको एजेंडा क्या करना है। वो बैठते हैं सुनते हैं कि आज मोदी जी ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं फिर उसको फॉलो करना पड़ता है, ब्रह्म वाक्य है वो फॉलो करना पड़ता है। मुद्दों की कमी साफ झलक रही है। और तीसरी बात जो आपने शुरू में कही थी वो बात बिल्कुल सही है, उम्र का असर अब दिखने लगा है। एक तो हर देखिए, मैंने जैसे एक बार आपके उस पर पहले भी बोला था कि मैंने क्योंकि थिएटर किया है, अंदाज जो होता है ना बोलने का, फेशियल एक्सप्रेशन, वो बड़ा कुछ बताता है आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में। जब प्रधानमंत्री हर चीज डराने के अंदाज में बोल रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा, वो हुआ तो वैसा हो जाएगा, हर चीज को डराने के अंदाज में बोल रहे हैं वो छाती ठोक के एक अकेला सब पे भारी वाला प्रधानमंत्री, और इस प्रधानमंत्री में दिन रात का फर्क दिख रहा है। जब हर चीज को जैसे छोटे बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं आप, उस अंदाज में अगर हर चीज बोलोगे तो कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिख रही है उसके अंदर। और एक बात और मैं आपके सामने बोल दूं, आज की तीन फेस में जैसे अजीत जी कह रहे हैं कि हर फेस में 20-20 सीट की अगर कमी पड़ रही है, मान लीजिए चल टोटल मिलाकर मैं कहता हूं 30 सीट तीनों फेस में कम हुई है, चार फेस अभी और है। अगर यही ट्रेंड रहा तो नंबर वन तो यह है कि बीजेपी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी उस हिसाब से मेरे आंकड़ों में नहीं बैठ रही है, नहीं बन रही है लीडिंग पार्टी फिर अगर इसी यही ट्रेंड चार और में भी रहा। दूसरा, जिस हिसाब से वो रोजाना सिर्फ तीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से दो ज्यादा, कांग्रेस शहजादा, कभी कभी इंडिया अलायंस, जिस तरह से वो कांग्रेस पे टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि खुफिया तंत्र तो उनके पास है, उन्हें कहीं ना कहीं खबर है कि कांग्रेस इस इलेक्शन में बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए वो टारगेट स्पेशली कांग्रेस को कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपनी सबसे कम सीटों पर लड़ रही है, 328 सीटों पर लड़ रही है। इसका मतलब कांग्रेस क्या 150 से क्रॉस कर रही है, इतनी बौखलाहट तो तभी आ सकती है, वरना क्यों नहीं वो बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों तमिल उनकी बात नहीं कर रही है, ममता बनर्जी के बारे में क्यों बात नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस और शहजादा, कांग्रेस शहजादा, यही दो चीजें क्यों आती है। अखिलेश यादव के बारे में तब बात करते हैं जब वो यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं तो आरजेडी की बात करते हैं, बाकी जगह नहीं करते, लेकिन कांग्रेस की बात हर जगह करते हैं। उड़ीसा में जहां कांग्रेस का भी कुछ ज्यादा है ही नहीं, वहां भी कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो है कि खुफिया तंत्र ने कह दिया कि ये जो है वो इस पार्टी का ग्राफ यहां जा रहा है और आपका ग्राफ यहां गिर रहा है, इसलिए है कि सबसे बढ़िया उसको निशाना बनाओ, क्योंकि हालात दो हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांग्रेस 150 के आसपास कर जाती है तो उसके लिए सरकार बनाना सबसे आसान होगा। जैसे जयराम रमेश ने कहा, मजाक में शायद जयराम रमेश ने कहा था कि बहुत सारी पार्टियां जो एनडीए में है अभी, वो भी फर्स्ट चॉइस कांग्रेस के साथ आएंगी। शरद पवार ने इशारा कर दिया कि कांग्रेस में कुछ पार्टियां मर्ज होंगी और कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ आएंगी। तो उस हालत में 150 सीट के हाल में कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा पावर में, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ सबकी आइडियोलॉजी मैच करती है। यहां तो बेसिकली ये खतरा है ना कि जो दोस्त बनता है वो दोस्त को ही खत्म करते हैं, सबसे पहले दुश्मन को खत्म करते, बाद में दोस्त को सबसे पहले खत्म करते हैं। अब हरियाणा में जेजेपी के साथ क्या किया, 4.5 साल तक उसके कंधे पे सरकार चलाई, लास्ट मोमेंट उसको लात मार के भगा दिया। इतने सालों से शिवसेना के साथ आप जुड़े हुए थे, लास्ट में क्या किया, उसकी पार्टी तोड़ दी। पंजाब के अकाली दल के साथ क्या हुआ, जो फार्मर बेस्ड पार्टी है जिसका सारा बेस फार्मर्स है, आप फार्मर्स बिल ले आए और उनको पूछा तक नहीं, इतनी पुरानी अलाई, सबसे पुरानी अलाई, उसको पूछा भी नहीं। आज वो सफाई देती फिर दिया अकाली दल पंजाब में कि हम क्यों उस वक्त उनके साथ थे, हमें नहीं मालूम था, सफाई देते फिर रहे। तो ये तो दोस्त के दुश्मन से ज्यादा, दोस्त के ज्यादा दुश्मन है, इसलिए पहली चॉइस वहां हो जाती है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है प्रधानमंत्री के भाषण में, प्रधानमंत्री के चेहरे पे और प्रधानमंत्री के हाव भाव में, वरना वो चाइनीज खिलौना लेके गाड़ी में बैठ के ये किस प्रधानमंत्री को शोभा देता है, ये लाइट वाला, वो ऑन ऑफ वाला, उसका इतना मजाक उड़ा, इतने मीम बन रहे, लेकिन प्रधानमंत्री है कि मेरे हिसाब से उनको अब समझ में नहीं आ रहा, ना उनकी टीम को समझ में आ रहा, आउट ऑफ आइडिया, आइडिया खत्म हो जाते एक टाइम पे आगे, वो आइडियाज खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है मोदी जी को कि इलेक्शन मोदी बनाम कौन नहीं हो गया, मोदी बनाम मुद्दे हो गया है।
अभी जब मुद्दे बना मोदी हो गया, इसमें फंस रहे हैं पूरी तरह से, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें कि किसी तरह चाहे हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए, चाहे मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए, कुछ तो हो जाए, बस मोदी बनाम मुद्दे ना रहे, मुद्दे छाट जाए, उसकी कोशिश में रोज के रोज नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, रोज के रोज पूरी आईटी टीम को फिर उसको संभालना पड़ता है। अब ऐसे में क्या है कि अब सैम पित्रोदा मिला था एक बड़ी मुश्किल से, वहां कांग्रेस ने इस्तीफा लेके उस मामले को भी खत्म कर दिया सैम पित्रोदा, हालांकि बेचारे की अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ो तो जहां खत्म करते हैं असली चीज उसके बाद है, उस स्टेटमेंट के बाद असली चीज है, जिसने कहा फिर भी हमें इस देश पे गर्व है हमारा, लेकिन वो काट छाट करके जितना चलाया इस्तीफा देके वो मामला ही खत्म कर दिया। अब आज बोलने के लिए कुछ है नहीं, कोई स्मृति ईरानी कह रही है कि मुझे पाकिस्तान हराने के लिए पैसा लगा रहा है, कंगना रनौत कह रही मुझे हराने के लिए चीन कांग्रेस को पैसा दे रहा है, आज मैं सवेरे कहीं पढ़ रहा था कि चीन कह रहा है कि यूएस इंडिया के इलेक्शन में दखल देने के लिए कांग्रेस को जिताने के लिए पैसे दे रहा है। अरे भाई सब कुछ, सब लोग पैसे दे रहे हैं यहाँ पर, कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए, तो फिर आप काय के विश्व गुरु? तो आपने 10 साल क्या झक मारी कि आपको यही नहीं पता कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है? अब की बार ट्रंप सरकार, तो आपने कहा था ना, राहुल गांधी ने थोड़ी कहा था जाके कि अब की बार ट्रंप की सरकार, आप ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकते हैं ना, चाइना का नाम आप ही नहीं लेते, चाइना के प्रीमियर को झूला आप देते हैं, तो फिर 10 विश्व गुरु तो नहीं आप, फिर 10 साल तक वही करते रहे, बस आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें दरअसल पब्लिक है, समझदार है, युवा है, देश हमारा सबसे युवा वोटरों से भरा है, समझता है, पढ़ा लिखा है, व्हाट्सएप ज्ञान से अब थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज खास करके खुद ही वो गलगोटी यूनिवर्सिटी जैसी हरकतें करेंगे तो और ज्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर आने में। तो ये सारी चीजें मिला के और एंड में जो उम्र वाला आपने कहा था उस सबको मिला दीजिए तो वो असर यही मिक्सचर सामने दिखता है।